दो कॉफी डबल शुगर। कॉफी हाउस प्रस्तुत छे थोड़ीक मौज, थोड़ीक मस्ती, थोड़ीक वातो अने थोड़ीक मुलाकातों नो मंच कॉफी हाउस। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्वागत और आज के हमारे अतिथि, आज के हमारे मेहमान का भी स्वागत। आज हमारे साथ है डॉक्टर अमृता चक्रवर्ती। अमृता जी आपको नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर अमृता चक्रवर्ती हैं अहमदाबाद की गांधीनगर की एक बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई है, शिक्षण के साथ जुड़ी हुई है और वो जनसंपर्क क्षेत्र की व्याख्याता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर है। अमृता जी, ये मैंने आपकी पहचान एक सेंटेंस में हमारे श्रोता दोस्तों को बता दी, लेकिन पहचान के पीछे जो हमारी जो बात होती है, हमारा जो संघर्ष होता है, एक पूरी कहानी होती है, एक सालों की मेहनत होती है। जी हाँ। इसके बाद हमें एक पहचान मिलती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो नींव है, हमारी जो फॉरवर्डिंग ईयर्स में हमारी जो नींव बनती है वही हमें आगे कोई एक कारकिर्दी के मौका पर ले जाती है। तो हम आपकी बचपन की कुछ बातें, स्कूलिंग की बातें, अपने कॉलेज एजुकेशन की बातें आपके शब्दों में हम जानना चाहेंगे। नमस्ते। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि आकाशवाणी के साथ मेरा जो संपर्क है वो बिल्कुल बचपन से है। क्या बात है। वो इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मी श्रीमती बानी चक्रवर्ती आकाशवाणी की सीनियर अनाउंसर थी आगरतला सेंटर पे। ग्रेट। कभी जैसे बचपन में घर पे मैं अकेली हूँ, पापा ऑफिस में चले गए, भैया स्कूल में चले गए, तो मम्मी मुझे ले जाके ऑफिस में ले जाके ड्यूटी रूम में बिठा देती थी और ड्यूटी रूम के मम्मी के जितने सारे कोलीग्स थे वो सब मेरे अंकल और आंटी हुआ करते थे। yes. और उनके साथ मेरा आज भी संबंध है। दुर्भाग्य की वजह से मेरी मम्मी 2018 में गुजर गई, बट अभी भी मेरी मम्मी की सारी यादें, मेमोरीज जो भी है मेरे अंदर है और आज मैं बहुत ही गर्वित महसूस कर रही हूँ कि आज ऑल इंडिया रेडियो अहमदाबाद में आके मैं एक टॉक शो में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो मेरा बचपन ऐसा है कि मेरा होम टाउन जो है वो आगरतला त्रिपुरा में है। केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है वहाँ पे मेरा स्कूलिंग हुआ जी। और ग्रेजुएशन भी मेरा वहाँ पे हुआ है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स लेके। तो मेरी मम्मी की हमेशा ये इच्छा थी कि मैं एकेडमिक्स में आऊं, बट मुझे एकेडमिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और मुझे कॉर्पोरेट जॉब इंटरेस्टिंग लगता था। तो जैसे हम लोग जिस तरह से अपने आप को सोचते हैं या जो हमारा जो हम लोग बोलते हैं कि दूरदर्शन, मतलब आपको दूर की जितनी दिखती है, तो वैसे आप अपने आप को ग्रूम करते रहते, आप आपको मॉडिफाई चेंज करते रहते हैं। तो मैं उसी तरह से आगे बढ़ती गई। एक बहुत ही जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में मैं सीनियर एनालिस्ट के पोजीशन में थी हैदराबाद में। फिर 2013 में मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ तो बहुत अच्छा है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, बहुत ग्लैमर भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं कुछ ऐसा मीनिंगफुल नहीं कर रही हूं जिससे मैं किसी के लाइफ में कोई चेंज कर सकूं। और दूसरी बात यह कि मैंने देखा कि मेरा जो प्राइमरी रोल था उससे ज्यादा मैं एंजॉय करती थी अगर मैं कहीं पे कोई ट्रेनिंग देती थी। अच्छा। तो वो ट्रेनिंग वाली चीज जो हुई, तो मैंने मेरी मम्मी को तब पूछा कि मम्मी मैं क्या एकेडमिक्स के बारे में सोच सकती हूँ, तो मम्मी तो तुरंत राजी और बोल रही है कि बेटा आ जाओ, मैं आपकी ध्यान रखूंगी। तो तब मैंने 2013 पे वही जॉब छोड़ के, एक बहुत ही हैंडसम सैलरी छोड़ के मैं आगरतला आ गई। तो मेरा पहला पोस्ट ग्रेजुएशन जो था वो PGDBA मार्केटिंग था, एक बहुत ही जानी मानी इंडियन यूनिवर्सिटी से। वो डिस्टेंस एजुकेशन में था क्योंकि मेरा जॉब था सेकेंडरी मार्केट रिसर्च। बट जब मैं देखी कि मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगती है जिसमें मैं एकेडमिक बनना चाहती हूँ, तो मुझे लगा कि मास कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने मेरी मम्मी को देखा कि किस तरह से वो फेमस थी, किस तरह से लोग उनको पहचानते थे। ऑल इंडिया रेडियो का जो महत्व है सोसाइटी में वो क्या है। तो तब मैंने, मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स का ग्रेजुएशन था बट इकोनॉमिक्स मैंने फॉर्म पे काट के मैंने मास कम्युनिकेशन लिखा। क्या बात है। हाँ। और उस दिन जाके हम लोग त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट किए, तो वहां से मेरी मास कॉम की जर्नी शुरू होती है। ओके। तो ये एक नया मोड़ है ऐसा हम कह सकते हैं। फिर त्रिपुरा से आप अहमदाबाद कैसे आ गए वो भी बताएंगे आप। हाँ। तो 2013 से 2015 तक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चला। मुझे काफी अच्छे परसेंटेज मिले, जबकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मार्क्स मिलना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसके बाद मुझे PhD करना था और मैं बहुत ही फोकस थी कि मुझे, मेरे हाथ पे उतने टाइम नहीं है क्योंकि मैं एकेडमिक्स में बहुत लेट आई हूँ। जी जी।
साढ़े आठ साल मैं कॉरपोरेट सेक्टर में बिताई। तो मैं गांधीनगर में यहाँ पे पहले आई, आके मुझे यहाँ पे पीएचडी में मैंने ज्वाइन किया पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी में। और जब मैं पीएचडी ज्वाइन की तो तब मुझे यहाँ पे हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो तो आप विजिटिंग फैकल्टी होकर ज्वाइन कर सकते हो, आप क्लास ले सकते हो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब कोर्स वर्क होता है पीएचडी का, पहले छह महीना आपको क्लास अटेंड करने पड़ते हैं जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में सीखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोर्स वर्क दौरान मैं क्लासेस भी कंडक्ट कर लेती हूँ, उससे मुझे टीचिंग एक्सपोजर भी मिलेंगे। तो वहां से मैंने शुरू किया, गांधीनगर में मैं सेटल हो गई, पीएचडी स्टार्ट किया, विजिटिंग फैकल्टी का काम कर रही थी। और इसके एक साल बाद एक हैदराबाद के एक एकेडमिक असाइनमेंट के लिए वहां पे शिफ्ट हो गई। बट 2018 में जब फिर से मेरे इस यूनिवर्सिटी में ओपनिंग आया था तब मैंने अप्लाई किया और तब वो इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो तब से मैं यहाँ पे फुल टाइम एकेडमिक हूँ एंड करेंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन हूँ। ग्रेट मृदा जी, हम बात कर रहे थे कि एक नया संबंध गुजरात के साथ आपका नया संबंध शुरू हुआ। अगर मैं आपको बात पूछूं कि गुजरात में आपको क्या बात अच्छी लगी, आप पांच छह साल से यहाँ पे रह रही हैं, और आप अगरतला या त्रिपुरा की कौन सी बात मिस कर रही है, तो ये सवाल का आप क्या जवाब दोगी? पहले मैं गुजरात के बारे में बोलना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात कि मुझे यहाँ के लोग इतने अच्छे लगते हैं कि यहाँ के लोग बहुत एक्सेप्टिंग है, मतलब अपना लेते हैं। जैसे कई जगह पे मैंने जॉब किया है बट वहाँ पे वो जो अपना बन जो है वो मुझे उतना नहीं मिला जितना मुझे गुजरात में मिला है। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बहुत सेफ सोसाइटी है। एक लेडी जो मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड दूसरी सिटी में जॉब करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी यहाँ पे कभी भी अनसेफ फील नहीं हुआ है। तो ये दो बहुत बड़ी चीज है, एक है कि अपनापन सोसाइटी से, और सबसे बड़ी बात और एक है कि भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि जैसे मुझे अगर मैं कहीं पे भी मैं हिंदी में बात करूं तो लोग बहुत ही इजीली समझ लेते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं और हिंदी में ही उत्तर देते हैं। जी, तो ये बात हुई। अच्छा, अब मैंने मेरी जो दूसरी बात थी कि आपको, आप त्रिपुरा की कौन सी बात मिस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बात वैसे तो आप मिस करती होगी क्योंकि जिस शहर में हमारा बचपन बीता, हमारी ग्रूमिंग हुई, वो शहर से तो बहुत सी यादें जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी अगर त्रिपुरा की एक दो बात जो विशेषता हमें बता पाए आपके शब्दों में। हाँ, तो जो मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ वो तो एक है कि हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज है, जैसे मैं बंगाली हूँ और त्रिपुरा में मेजोरिटी पॉपुलेशन बंगाली है, तो वहां पे बंगालीज एंड ट्राइबल्स साथ में रहते हैं एंड सब एक दूसरे के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे दुर्गा पूजा, मैं अगरतला की दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, ठीक है। और जैसे आप लोग यहाँ पे वसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे यहाँ पे सरस्वती पूजा होता है, तो सरस्वती पूजा भी सिटी में हर एक जगह पे पंडाल बन के होता है और वो भी मैं बहुत मिस करती हूँ। तो जैसे जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं वो मैं बहुत मिस करती हूँ। इसको छोड़ के सोसाइटी वाइज अगर आप बोले तो मेरा सोशल सर्कल अगरतला में है नहीं, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स अगरतला से बाहर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट थी। हाँ। तो सबके पिताजी माताजी ट्रांसफरेबल जॉब में थे। सही बात है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग सिटी में हैं और सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है। ग्रेट। हमारे सभी दोस्तों को ये जानना अच्छा लगेगा, जनसंपर्क की हम बात करें क्योंकि आप जनसंपर्क में आपने पीएचडी किया है, पब्लिक रिलेशंस में पीएचडी किया है। तो मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रही हूँ बट देखिए वो जस्ट एक एग्जांपल है कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोग मोटिवेटेड होते हैं, कैसे नई नई बातें लोगों को पहुंचाई जाती है। तो अगर आप मास मीडिया बोले या पब्लिक रिलेशन बोले जो मास मीडिया के एक पार्ट है, जी, उन दोनों का एक ही एम होता है कि लोगों से कनेक्ट करना और लोगों को बताना। और जब हम लोग पब्लिक रिलेशन, स्पेशली पब्लिक रिलेशन के बारे में बोलते हैं, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि आप लोगों के साथ संबंध कैसे बना रहे हैं। पब्लिक रिलेशन, लोग, जनता और संबंध, तो जनता के साथ आप संपर्क कैसे बना रहे हैं। सही बात है। तो उस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस है संपर्क बनाने के। तो अभी ये अगर कंपनीज के प्रमोशन बोलेंगे, आप बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, उन सबके साथ पब्लिक रिलेशंस जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली। और ये सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि जो हम सबकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हम जनसंपर्क की बात करते हैं तो हमारी जो पब्लिक है उनके साथ काम करना है, जिनके साथ हमें आगे बढ़ना है या जिनके साथ हमें रहना है, उनके साथ भी हमें संपर्क तो
मेंटेन करने हैं, हमें उनके साथ संपर्क अच्छे रखने हैं, तो एक सोशल साइंस भी है। अमृता जी, हम बात कर रहे थे पब्लिक रिलेशंस की, जनसंपर्क की, हम थोड़ी माध्यमों की भी बात कर ले। तो अगर हम मीडिया की बात करें, माध्यमों की बात करें, तो आज से 15-20 साल पहले जो माध्यमों की दुनिया थी और आज माध्यमों की जो दुनिया है, क्या परिवर्तन एज ए आप, क्योंकि आप मीडिया एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है, तो आप क्या परिवर्तन दोनों दुनिया में देख रही है? आज से 15-20 साल पहले की बात अगर करते हैं, जैसे आज 2024, तो हम लोग 2004 के बारे में बोलते हैं, तो तब हमारे पास ऑप्शंस थे केबल टेलीविजन और रेडियो भी डेफिनेटली था, वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हाँ, तो रेडियो के चैनल्स थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, जैसे एफएम की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, प्राइवेट एफएम्स भी आ गए हैं, लेकिन अगर हम लोग ब्रॉडकास्ट के बारे में बोले तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया है। जैसे अभी जो हमारे डायरेक्ट टू होम DTH सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं, तरह तरह के कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट उनके DTH सर्विस में आपको ऐसे एक छोटे से डिश एंटीना मिलती है जो आपके घर टेरिस के ऊपर लगाया जाता है, उससे केबल आके आपके टेलीविजन के साथ कनेक्ट होता है। तो वो देखिए, वो थोड़ा डिफरेंट है। जब 1993 में पहले केबल आया था, तब क्या हो रहा था कि केबल टीवी सेंटर से हमारे घर पे केबल आ रहे थे। सही बात है। लेकिन DTH जब आया, तब अपने हमारे अपने अपने डिश एंटीनास आ गए और उसमें आपको एक केबल ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। जी, जी। तो इंडिपेंडेंस आ गई। अभी जो ब्रॉडकास्ट का ये है, वो ज्यादातर OTT में जा रही है। इनफैक्ट मैं पर्सनली अपने घर पे जो DTH सर्विस है उसको मैं डिसकंटिन्यू कर चुकी हूँ, और मैं अभी क्योंकि मेरे घर पे इंटरनेट का ब्रॉडबैंड सर्विस है, तो या तो आप एक स्मार्ट टेलीविजन खरीद सकते हैं, या फिर आप एक छोटी सी डिवाइस जिसको बोलते हैं जो आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, उससे कनेक्ट करके आप पूरे OTT में सारे कंटेंट देख सकते हैं। अब उसका प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि देखिए, जब आप टेलीविजन में कोई कंटेंट देखते हैं तो उसका टाइमिंग, उसका स्पेसिफिक टाइम रहता है, बीच में एडवर्टाइजमेंट आपको देखने पड़ेंगे, और आप अगर किसी कारण उसको मिस कर लिए तो आप मिस हो गया। सही बात है। लेकिन जो OTT का कंटेंट है वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप देखेंगे। आप अगर प्रीमियम पैकेज लेंगे तो आप एडवर्टाइजमेंट को छोड़ भी सकते हैं बाय पेइंग अ हायर अमाउंट ऑफ मनी। प्लस आप टीवी में भी देख सकते हैं और अपने मोबाइल फोन पे कहीं पे भी देख सकते हैं। सही बात है। तो ये चेंजेस आए, ये बहुत बड़ा चेंज आ गया। अच्छा, अगर हम हमारे श्रोताओं के एंगल से हम बात करें, तो उनकी चॉइस में कोई चेंज आया? उनके पास बहुत सारे विकल्प आ गए, तो वो भी एक विशेषता हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास अगर दूरदर्शन की शुरुआत के दिनों की बात करें तो कैप्टिव ऑडियंस मिलता था, क्योंकि हमारे पास एक या दो चैनल ही थे। अब हमारे पास इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे यानी फ्रेगमेंटेड ऑडियंस हो गया पूरा, तो हमारे पास विकल्प, हमारे हर एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी चॉइस आ गई, तो ये भी एक पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज आ गया है। देखिए, अगर मैं अपने स्टूडेंट के एग्जांपल्स दूँ जो अभी 18 से 21 साल के बीच में है, जी जी, तो उनका कैसा है कि वो लोग बहुत ही पर्सनलाइज्ड कंटेंट चाहते हैं। अच्छा। तो जैसे मैं, जो मैं बचपन में केबल टेलीविजन से देख देख के बड़ी हुई हूँ, तो मुझे अभी भी OTT का कंटेंट देखना भी टीवी में देखना अच्छा लगता है। right. लेकिन अगर मैं अपने स्टूडेंट्स का देखूँ तो उनका प्रेफरेंस ये कि वो OTT कंटेंट टेलीविजन में नहीं देखेंगे, टेलीविजन सेट में ना देखे, वो मोबाइल पे ही देखेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अपनी चीजों को प्राइवेट रखना चाहते हैं, पर्सनल रखना चाहते हैं, और इसीलिए घर पे अगर चार मेंबर हो तो चार लोग अपने अपने चीजें देख रहे हैं। जी। तो ये चीज कभी कभी मैं क्लास में भी डिस्कस करती हूँ कि हम लोग बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं। जैसे पहले बचपन में रामायण हम लोग साथ में बैठ के देखते सही थे बात है। तो महाभारत साथ में बैठ के देखते थे, तो वो कॉन्सेप्ट अभी है ही नहीं। हाँ। क्योंकि अभी बहुत ही इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड कंटेंट आ चुकी है। जो लोग क्राइम देखना चाहते वो क्राइम देखेंगे, जो हॉरर देखना चाहते वो हॉरर देखेंगे, और एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे वजह से मेरा कंटेंट मिस हो गया है। तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। हम एक जो टेलीविजन एक फैमिली मीडियम था, वो फैमिली मीडियम नहीं रहा, एक इंडिविजुअल मीडियम बन गया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पहले आपने जैसे कहा कि पूरा फैमिली साथ में बैठ के एंजॉय करता था या पूरा देखता था, अभी अपने अपने घोंसलों में हम खो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, यानी पूरा अलग हो गया। अच्छा अमृता जी, आप स्टूडेंट्स के साथ या यंग जनरेशन के साथ जुड़ी हुई है, तो उनकी कौन सी बातें हम कहते हैं कि अच्छी है, या कौन सी बातें लगती है कि जिसमें हमें कुछ परिवर्तन का या कुछ इम्प्रूवमेंट का अवकाश है? पहले मैं अच्छी बातें बोलती हूँ, इनकी कौन सी बातें अच्छी है। जो यंग जनरेशन है, जैसे मैं 18 to 20 ईयर्स के मैं लोगों को बोल रही हूँ,
तो उनमें ये है कि उनमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो लोग ओपन है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जेंडर के बारे में बोले तो हमारे पहले के जनरेशन या मेरे जनरेशन भी दो ही जेंडर को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल. बट अभी के जनरेशन के लोग ट्रांसजेंडर के बारे में बहुत ओपन हो चुका है, एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर है और जो है वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं. इस तरह से बहुत सारी चीजें, जैसे कोई किसी को पसंद नहीं करते, वो कोई भी हो, सीनियर हो जूनियर हो, वो लोग ओपनली बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तो वो लोग ज्यादा ओपन हो रहे हैं अपने व्यू पॉइंट्स को लेकर. जी जी. अब नेगेटिव की बात यह है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत इंडिविजुअलिस्टिक, तो इस चीज से क्या हो रहा है कि जो एक सोशल सर्कल होता है वो उनमें कम हो रहा है हर दिन. तो अभी देखिए, सोशल सर्कल का मतलब ये नहीं कि मेरे दो बेस्ट फ्रेंड ही हमेशा घूम रहे फिर रहे जा रहे आ रहे, वो सोशल सर्कल नहीं होता. सोशल सर्कल वो है कि आप एक सोसाइटी के साथ कैसे मिक्स हो रहे हैं, सही बात है. आप एक अननोन, एक अनजान इंसान के साथ कैसे अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो बात आगे बढ़े. तो जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होती जा रही है, जैसे इसके लिए मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, मैं खुद मीडिया एकेडमिक होकर बोल रही हूँ कि मीडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर वैसे आगे चलता रहा तो कई सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं, और जो मैं बहुत ही देख रही हूँ आजकल, सही बात है. मैं देख रही हूँ कि जो मेरे जनरेशन के लोग हैं वो सभी ये सब चीजें देख रहे हैं कि थोड़े इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आइसोलेशन. उनको आइसोलेशन होते, उनको अपने एक्सप्रेशन, अपना जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए उनको स्पेस नहीं मिलती. और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग पहले, हमारे जनरेशन के लोग या मेरे पहले के जनरेशन के लोग ऐसे है कि आप अगर फेमस होते हैं तो आप एक सोसाइटी में कैसे फेमस होते हैं, आपको लोग पर्सनली कितना जानते. बट अभी के जनरेशन के लोग कुछ सर्टेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वहां पे उनकी पॉपुलरिटी कितनी है, वहां पे कितने लोग लाइक्स दे रहे हैं, वहां पे उनके पोस्ट कितने रीशेयर हो रहे, उसके बेसिस पे अपने आइडेंटिटी क्रिएट करके बैठते हैं. तो उनको ये समझ भी नहीं आता कि दैट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड. रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो फर्क है वो शायद वो उनके दिमाग में वो ब्लर हो चुकी है. सही बात है. हाँ. तो अमृता जी, एक एजुकेटर के नाते हमारे जो युवा दोस्त हो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगी, क्योंकि हर कोई को अपनी एक करियर बनानी, अपनी एक एक दिशा में अपनी एक कारकिर्दी बनानी है, तो वो कोई भी दिशा में जाए, लेकिन एक एजुकेटर के नाते आप उनको एक संदेश क्या देना चाहोगी? अगर मैं ये बोलू कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं पढ़ाई कैसे करती थी, जी, एक बुक मुझे मिलने में महीने लग जाते थे, क्योंकि मैं अगरतला की थी और मेरे यहाँ पे सारे बुक्स बाहर से आते थे, या तो दिल्ली या कोलकाता से. जी जी. अगर मैं अभी के जनरेशन के रिसोर्सेस के साथ बात करूं तो उनके पास एक तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हमेशा है, अपने मोबाइल फोन में ही है. जी, जी. और दूसरी बात यह है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, तो आपके पास, आप अगर पढ़ना चाहते हो या आप अगर किसी भी चीज पे अपने नॉलेज को डेवलप करना चाहते हो, तो आपके पास कोई भी एवेन्यू की कमी नहीं है. एग्जैक्टली. बट ओनली ये है कि हम लोग एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड सोसाइटी में रह रहे हैं, उसमें आपको फिल्टर करना होगा कि आपको क्या जरूरत है और आपको क्या जरूरत नहीं है. आप अगर हरेक चीजों में इंटरेस्ट डालेंगे तो आप कहीं पे भी नहीं रहेंगे. जैसे मैं एक टिपिकल एग्जांपल आपको देती हूँ, एक स्टूडेंट के साथ मेरी कल ही बात हो रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि आप अभी मास्कॉम में मेजर लेके ग्रेजुएशन तो कर रहे हो, तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, बिकॉज मैं जानती हूँ कि वो स्टूडेंट फ्रीलांस फोटोग्राफर है. अब उन्होंने मीडिया साइकोलॉजी पे अपना रिसर्च किया, तो वो बोल रही है कि मैं अभी साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री करने वाली हूँ. तो मैंने उनको बोला कि देखिए, आप पर्सनली बहुत वॉलेटाइल हो और बहुत इम्पेशेंट हो, आप साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री करके आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, बट आप फोटोग्राफर हो तो आपको ये सोचना है कि आप मास्कॉम मेजर की स्टूडेंट हो, आप फोटोग्राफर में फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपको आगे इसी में बढ़ना है. सही बात है. आप 10 चीजों में आगे नहीं कर सकते. तो बोल रही है कि मैं फिर आगे कोर्स कहां से करूं. तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको जानकारी लेके मैं आपको बताती हूं. तो मैंने आज और एक जन से बात किया जो एक डायरेक्टर है, एक सिनेमेटोग्राफर है. जी जी. तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो फोटोग्राफी में भी अच्छे हो, तो आपने कहां से सीखी. तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे आपको डायरेक्टली पूरी फोटोग्राफी पूरा सिखा के एक्सपर्ट बना दे. हमारे पास सारे सोर्सेस इंटरनेट में है जी. और सर्च इंजिन्स पे है. वही है कि आपका इंटेंशन करेक्ट होना चाहते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हो,
आप सर्च में डालिए, सीखिए, एक एक चीज सीखिए। तो अगर फोटोग्राफी बोलेंगे, अगर आप रिसर्च बोलेंगे, कोई सब्जेक्ट बोलेंगे, या कारपेंट्री या म्यूजिक सीखना, गिटार सीखना, कुछ भी आप बोलेंगे, सब कुछ आपके इंटरनेट पे है। बहुत अच्छा। यानी अगर हम कोई दिशा तय कर ले और वही दिशा में अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हमारा फोकस उसी पर रखे तो कोई भी बात नामुमकिन नहीं, ऐसा हम कह सकते। कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। तो यही संदेश के साथ हम यहाँ हमारी बात यहाँ आज विराम लेते हैं। अमृता जी, कुछ बहुत अच्छी बातें हमारे दोस्तों के साथ की, आपका तहे दिल से शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। कॉफी हाउस हमणा जे आप सांभळी रह्या हता थोड़ीक मौज, थोड़ीक मस्ती, थोड़ीक वातो अने थोड़ीक मुलाकातों नो मंच, कॉफी हाउस।